आपने बचपन में गांव मोहल्ले की गलियों में गिल्ली डंडा खेलते हुए अक्सर बच्चों को देखा होगा और हो सकता है कि आपने खुद ये खेल को खेला भी होगा। वैसे तो गिल्ली डंडा खेलने का चलन बहुत कम हो गया है, लेकिन आज भी भारत के गांवों में जाएंगे तो बच्चे ये खेल खेलते मिल जाएंगे। समय ने इतना विकास किया कि बच्चों को खेल से ही दूर होना पड़ा। किताबों के सहारे बच्चे आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन वो सब कुछ खोते जा रहे हैं जिन्हें उनकी खासा जरूरत है। लेकिन अब मेरठ के CCS यूनिवर्सिटी ने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ गिल्ली डंडा का भी पाठ पढ़ाने का फैसला लिया है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के फिजिकल एजुकेशन की बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक में फैसला लिया गया है कि शारीरिक शिक्षा में अब गिल्ली डंडा को भी शामिल किया जाएगा। विश्वविद्यालय पारंपरिक आउटडोर खेलों को पुनर्जीवित करने के लिए नए शैक्षणिक सत्र से शारीरिक शिक्षा में गिल्ली डंडा, मार्बल्स और स्टापू जैसे खेल शुरू करेगा। ये खेल BA की डिग्री के तहत एक नए विषय द ट्रेडिशनल गेम्स ऑफ इंडिया का हिस्सा होंगे। विश्वविद्यालय के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत पारंपरिक खेलों को पुनर्जीवित किया जा रहा है। CCSU में शारीरिक शिक्षा विभाग में सहायक प्रोफेसर के पांडे ने कहा कि यह उन खेलों को मान्यता प्रदान करेगा जिन्हें हम सभी ने बचपन में खेला है। उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम में एक नए खेल काई डंडा को भी शामिल किया जाएगा जो आमतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खेला जाता है। मध्य प्रदेश में इसे आम डाली के रूप में जाना जाता है। यह बच्चों को आम के पेड़ पर चढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यह खेल न केवल एक बच्चे में मांसपेशियों को मजबूत करता है बल्कि उन्हें ध्यान केंद्रित करने में भी मदद करता है। हमें उम्मीद है कि CCS में इन खेलों की शुरुआत उनके पुनरुत्थान में एक लंबा सफर तय करेगी।